हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। मैं आज सिखाने वाला हूँ हम लोग कैसे एक वायरल जो एडिटिंग सब लोग यूज़ करते हैं काइन मास्टर, तो इस पर हम लोग कैसे काम कर सकते हैं एडिटिंग, तो मैं सिखाने वाला हूँ। तो फुल ट्यूटोरियल सिखाऊंगा दोस्तों, शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं काइन मास्टर। सो दोस्तों इस तरह से ओपन होगा। यदि आप लोग बिना वाटरमार्क वाला काइन मास्टर चाहते हैं तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट मेरे वीडियो में कर दीजिएगा, उसके बाद मैं जो है उस पर भी एक वीडियो लेकर के आऊँगा। सो दोस्तों इस तरह से कुछ इंटरफेस दिखाएगा हम लोग को खोलने के बाद। उसके बाद हम लोग को क्या करेंगे, क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देंगे। फिर इस तरह से एक जो है होम पेज दिखाएगा आप लोगों को काइन मास्टर में। तो हम लोग क्या करना है, प्रोजेक्ट नेम जो है, प्रोजेक्ट जो आप लोग नाम रखना चाहते हैं तो उसका जो है आप लोग रख दीजिएगा। उसके बाद आप लोग देखिए एक्सेप्ट, उसके बाद रेशियो पे दिखा रहा है, तो 16:9 जो है 16:9, उसके बाद 9:16 या 60 के लिए हो गया। तो आप लोग जो है रेशियो चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग एडवांस में देखिए आप लोग फिट, उसके बाद फिल, उसके बाद ऑटो दिखा रहा है तो हम लोग को फिल में रख देना है। उसके बाद हम लोग मैं एक शॉर्ट वीडियो ही एडिट करके आप लोग को आज दिखाने वाला हूँ। तो 9:16 में मैं ओके करके उसके बाद इस तरह से कुछ इंटरफेस दिखाएगा आप लोग को। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे एक वीडियो हम लोग ले रहे हैं दोस्तों। सो दोस्तों इस तरह से मैं एक वीडियो इधर से ले रहा हूँ, तो इस तरह से एक वीडियो मैं ले चुका हूँ। सो दोस्तों आप लोग अब क्या करिएगा, मैं इसका जो है होम पेज जो दिखा रहा है अब मैं इस पर दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग सबसे पहले इधर देखिए एक जो है थंबनेल दिखा रहा है, तो आप लोग इस पर आप लोग क्लिक करके थंबनेल्स भी ऐड कर सकते हैं। तो कैप्चर एंड ऐड अ थंबनेल भी क्लिक कर सकते हैं, तो ये थंबनेल बनाने के लिए हो जाएगा आप लोग का। उसके बाद आप लोग इस पर क्लिक करके आप लोग इनर साइड में देखिए ये 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो इसका यदि डुप्लीकेट करना चाहते हैं, डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो इसी लेयर पे डुप्लीकेट हो जाएगा। डुप्लीकेट एज अ लेयर पे करेंगे तो डुप्लीकेट इसका इसके नीचे डुप्लीकेट हो जाएगा। डुप्लीकेट एज लेयर करेंगे हम लोग तो देखिए एक और इस पर डुप्लीकेट हो गया। सो दोस्तों इस तरह से डुप्लीकेट आप लोग को कर सकते हैं डुप्लीकेट। तो ये हो गया डुप्लीकेट करने का तरीका। उसके बाद अब मैं क्या करने वाला हूँ आप लोगों को, इसको डिलीट करने के लिए इधर से क्लिक करके हम लोग डिलीट कर देंगे। फिर क्लिक करेंगे, अब हम लोग को क्या करना है दोस्तों, अब इस रिप्लेस, उसके बाद ट्रिम, उसके बाद स्प्लाइट पे देखिए इधर दिखा रहा है। उसके बाद आप लोग कोई इसमें में से आप लोग किसी को काटना चाहते हैं तो इसके क्लिक करके उसके बाद ट्रिम में जा करके लेफ्ट राइट स्प्लिट करेंगे तो बीच में से 2 पार्ट में हो जाएगा। उसके बाद आप लोग यदि काटना चाहते हैं तो लेफ्ट में काटना चाहते हैं लेफ्ट में ऐसे ट्रिम कर दीजिएगा, राइट में राइट में। सो दोस्तों ये हो गया आप लोग का ट्रिम करने का तरीका। उसके बाद स्पीड जो होता है, स्पीड पे हम लोग क्लिक करेंगे तो इसका जो है इस वीडियो का स्पीड आप लोग स्लो मोशन में कर सकते हैं। उसके बाद म्यूट ऑडियो भी इधर से कर सकते हैं। अब हम लोग को क्या करना है दोस्तों, यदि इस वीडियो को आप लोग देखिए यह वीडियो दोस्तों आगे की ओर चल रहा है, तो मैं इसका जो है साउंड इधर से म्यूजिक पे जा करके इसे म्यूट कर दे रहा हूँ। इस तरह से हम लोग म्यूट कर सकते हैं। उसके बाद आगे की ओर जा रहा है, उसके बाद इस पे देखिए रिवर्स में हम लोग क्लिक करेंगे यदि तो ये रिवर्स में अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से अब देखिए पहले के वीडियो में आपके वीडियो में कितना फर्क हो गया, अब रिवर्स में आएगा, अभी इधर आ रहा है। सो दोस्तों इस तरह से अब रिवर्स होगा। उसके बाद पेन जोन पे क्लिक करेंगे तो इक्वल टू पे क्लिक करके इसे हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं, पेन जोन करके जूम आउट कर सकते हैं, तो यह भी हो गया। उसके बाद रोटेट और मिरर का जो है इसे आप लोग रोटेट कर सकते हैं, इधर उधर मिरर कर सकते हैं, तो इस तरह से कर सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों इस तरह से देखिए यह भी हो गया। उसके बाद फिल्टर में हम लोग जा करके यदि फिल्टर कलर करना चाहते हैं आप लोग किसी भी तरीके से तो इसमें आ करके आप लोग कलर भी चूज करके आप लोग कर सकते हैं इधर। उसके बाद हम लोग को एडजस्टमेंट दिखा रहा है, तो ब्राइट बढ़ाना है, कॉन्ट्रेस्ट बढ़ाना है, सेचुरेशन बढ़ाना है, तो ये सब इधर से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड में हम लोग आएंगे, कलर जो है बैकग्राउंड इसका जो भी कर सकते हैं इधर से। सो दोस्तों ये हो गया हमारा
उसके बाद वैल्यूम इन वैल्यू जा करके हम लोग इसका जो है घटा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम लोग को इधर से देखिए आवाज़ जो है नॉर्मल पे है अभी। उसके बाद हम लोग रेडियो ये बेस बोस्टर आवाज़ इस पर हम लोग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद वॉइस चेंजर भी उसी ही तरीका से एक वॉइस चेंजर भी है, इधर से आवाज़ चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा ऑडियो इस वीडियो पे आप लोग थपना चाहते हैं, इस पर क्लिक करके एक लेयर बन जाएगा, एक्स्ट्रा ऑडियो आप लोग का हो जाएगा। इतना करने के बाद दोस्तों आप लोग इधर से लेयर को भी सिखा दे रहे हो। लेयर पे जाने के बाद मीडिया में जाएंगे तो और इसके ऊपर भी एक वीडियो थप सकते हैं। इस तरह से इसके ऊपर भी एक वीडियो आप लोग थप सकते हैं। तो मैं थप के दिखा रहा हूँ दोस्तों, तो इस तरह से थप सकते हैं। अब लेयर पे आ गए। अब इस वीडियो को जैसे कि क्रोमा की अभी बैकग्राउंड भी हटाना इसी वीडियो से मैं सिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। तो हम लोग इस पे आकर के उसके बाद देखिए इधर से नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे, उसके बाद क्रोमा की पे हम लोग क्लिक करेंगे, उसके बाद इसे इनेबल कर देंगे तो ये हट जाएगा। हटने के बाद इस इधर से थोड़ा बहुत मिला सकते हैं आप लोग। उसके बाद बैक आएंगे। आप लोग यदि बड़ा बार वीडियो मैजिक रिमूव से करना चाहते हैं कोई भी कलर में, इसे इनेबल करेंगे, इससे भी हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद आप लोग क्या करिएगा, इंटर। इतना काम करने के बाद दोस्तों इस तरह से देखिए ये अभी रिमूव करने के लिए आप लोग सीख जाएंगे। अब आ गया नंबर हम लोग को लेयर में जाकर के आप टेक्स्ट का जो है टेक्स्ट में हम लोग जो भी लिखेंगे यूट्यूब लिख देंगे यूट्यूब। उसके बाद इसका जो है टेक्स्ट के बारे में भी मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। लेयर में जा करके आप लोग कुछ भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते। उसके बाद फंट में जा करके आप लोग इसका फंट जो है इधर से चेंज कर सकते हैं, किसी भी फंट में आप लोग जा कर सकते हैं, इसे ओके कर देंगे तो इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद हम लोग आएंगे आउटलाइन में इनेबल करेंगे तो आउटलाइन बन जाएगा, थोड़ा कम बेसी आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद शैडो दे सकते हैं, इधर से आप लोग शैडो दे सकते हैं, इधर से कलर जो है आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग शैडो भी दे सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हम लोग इसका जो है टेक्स्ट का बैकग्राउंड भी दूसरा कलर का कर सकते हैं, इधर से ओपेसिटी फुल करके इसको ओके करके इस तरह से हम लोग यह भी दे देंगे तो फुल हो जाएगा। तो इस किस्म का जो है हम लोग टेक्स्ट भी इधर लगा सकते हैं दोस्तों। और ये हो गया दोस्तों टेक्स्ट। उसके बाद हम लोग को टेक्स्ट ऑप्शन में जा करके जो है सेंटर हो जाएगा। उसके बाद इसके नीचे जो एक लाइन करना चाहते हो इस पर क्लिक करके एक लाइन कर सकते हैं, इस तरह से आप लोग लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग को क्या करना है इसमें, अब सीखने के लिए टेक्स्ट में आप लोग का इन एनिमेशन में यदि इंटर कराना है, इसको कैसे इंटर कराना, पॉप में करना है इस तरह से या राइट से, तो ये अभी कर सके। उसके बाद इंटर करने के बाद ये कब जाएगा, तो उसके बाद आउट एनिमेशन में इस तरह से या सेट करेंगे तो ये अभी हो जाएगा। सो दोस्तों इस तरह से हम लोग को टेक्स्ट का जो है प्रॉब्लम इधर से सॉल्व हो जाएगा। टेक्स्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसके बाद हम लोग कोई इफेक्ट लगाना चाहते हैं इस तरह से, तो इफेक्ट यह सब देखिए इफेक्ट इस तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। इफेक्ट इधर से लगा देंगे हम लोग, यह इफेक्ट हो गया। और इधर देखिए कैमरा लेकिन जो दिखा रहा है इस पर क्लिक करके हम लोग यदि स्क्रीन का कोई भी जो है पिक्चर लेना है क्लिक करना है तो आप लोग क्या करिएगा, कैप्चर एंड सेव पे क्लिक करेंगे तो स्क्रीन भर का जो है आपका फोटो वह सेव हो जाएगा आपके गैलरी में। सो दोस्तों इतना इस वीडियो में मैं इतना ही सिखा के ओके कर रहा हूँ। इसके बाद और भी इस काइन मास्टर में सीखना होगा आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर दीजिएगा, उसके ऊपर भी मैं एक जो है वीडियो बना करके लाऊंगा। उसके बाद दोस्तों सेव करने के लिए हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग सेव एज वीडियो पे ओके कर देंगे, उसके बाद सेव हो जाएगा। सो दोस्तों आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। सो गाइस धन्यवाद फॉर वॉचिंग माई वीडियो।